Hey there, welcome to another episode of Coding with CodeCat. This is Ravi. आज के सेशन में विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्वेरी स्ट्रिंग इन एपीआई एंड हाउ टू इंप्लीमेंट क्वेरी स्ट्रिंग इन योर एपीआई कोड अलोंग विद बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो कोड आज के सेशन में यूज होगा वो ऑलरेडी गिटहब और गूगल ड्राइव पे अवेलेबल है एंड इफ यू नीड द कोड व्हाट यू कैन डू इज चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड द कोड फॉर यू। नाउ बिफोर वी बिगिन विद दिस सेशन, if you like the work that I'm doing, if you're learning something from my videos, then I would request you to please subscribe to the channel and share it with your iOS group. That being said, let's begin our today's session. API series में हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे simple get and post request, encodable and decodable protocol. Not only that, image upload करने के तीन तरीके हमने इस वीडियो में सीखे थे। इन सभी वीडियोस को आप API सीरीज की प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हो। आज के सेशन में हम सीखेंगे द राइट वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग क्वेरी स्ट्रिंग फॉर योर गेट APIs। जब हम सर्वर से डेटा गेट करते हैं तब मोस्टली हम क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करते हैं, बट ये क्वेरी स्ट्रिंग है क्या, सर्वर इसका करता क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सारे सवालों का जवाब मैं एक एग्जाम्पल से देना चाहता हूँ। लेट्स से आप नई जींस खरीदने के लिए एक जींस की दुकान में जाते हो तो शॉपकीपर आपको बहुत सारी जींस दिखाना शुरू करता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप शॉपकीपर से कुछ सवाल करते हो, जैसे कि आपके पास कोई स्पेसिफिक ब्रांड की जीन्स है क्या, या फिर इस जीन्स के प्राइस पे डिस्काउंट कितना है, या फिर मुझे सिर्फ इसी प्राइस रेंज में आप जीन्स दिखाइए। आपके ये सारे सवाल शॉपकीपर के लिए इनपुट होते हैं जिससे उसे पता चलता है कि आपको जीन्स में कौन सा ब्रांड, डिस्काउंट एंड प्राइस रेंज चाहिए और फिर शॉपकीपर इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रख कर ही आपको जीन्स दिखाता है। अगर आपने शॉपकीपर को आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई होती तो वो अपने हिसाब से कोई भी ब्रांड या प्राइस रेंज की जीन्स आपको दिखा देता, बट जब आपने आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर की तब शॉपकीपर ने आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीन्स दिखाई। हम किसी भी दुकान में जाते हैं वहाँ बहुत कुछ होता है, बट हम शॉपकीपर को स्पेसिफिकली बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए और उसके बेसिस पे शॉपकीपर हमें प्रोडक्ट दिखाता है। विद दिस एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सर्वर क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़ किस लिए करता है। अब इसे टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो सर्वर का जो डेटाबेस है वो एक जीन्स का शॉप है जिसमें बहुत सारी जीन्स है। आप क्लाइंट हो जो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा फॉर वेरियस थिंग्स, जैसे जीन्स का प्राइस, जीन्स का कलर, डिस्काउंट एक्सेट्रा। ये सारे सवाल सर्वर के पास पहुंचाने का काम करता है आपका क्वेरी स्ट्रिंग, जो आपके गेट रिक्वेस्ट का एक हिस्सा है। क्वेरी स्ट्रिंग बिल्कुल आपके फंक्शन पैरामीटर की तरह है, जहां आप फंक्शन पैरामीटर में वैल्यू पास करते हो और आपका फंक्शन आपको उन पैरामीटर के बेसिस पे आउटपुट रिटर्न करता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, क्वेरी स्ट्रिंग आपके API के इनपुट पैरामीटर्स हैं और बेस्ड ऑन दोस इनपुट पैरामीटर्स आपका सर्वर आउटपुट रिटर्न करेगा। अब चलिए समझते हैं कि क्वेरी स्ट्रिंग दिखता कैसे है। इस क्वेश्चन मार्क से आपके क्वेरी स्ट्रिंग की शुरुआत होती है और इस क्वेश्चन मार्क के बाद आने वाली जो स्ट्रिंग है आप उसमें इनपुट पैरामीटर्स ऐड करते हो। आपके सामने जो क्वेरी स्ट्रिंग है उससे मैं सर्वर को ये कमांड दे रहा हूँ कि मुझे सारे प्रोडक्ट्स मत दो, मुझे सिर्फ वही प्रोडक्ट चाहिए जिनका कलर रेड हो और उनका मैन्युफैक्चरर एप्पल हो। आज के डेमो के लिए मैंने एक सर्विस बनाई है जिसे हम पहले रिव्यू करेंगे इन स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन और फिर उसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट मी स्विच टू स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन। फॉर दिस डेमो हमारे पास एक API है जिसका नाम है गेट स्मार्टफोन और ये एक गेट API है जो दो पैरामीटर एक्सेप्ट करती है, वन इज कलर एंड द अदर इज मैन्युफैक्चरर। सो लेट्स क्विकली ट्राई दिस API। अगर मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करूं और सीधा ये API कॉल करूं, सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। सो एज यू कैन सी सर्वर ने सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न कर दिए हैं, बिल्कुल हमारे जीन्स के शॉपकीपर की तरफ। चलिए अब हम स्पेसिफिक पैरामीटर्स देते हैं सर्वर को कि हमें क्या चाहिए। सो लेट मी स्क्रॉल अप एंड आई वुड से द कलर इज गोइंग टू बी ब्लैक एंड द मैन्युफैक्चरर इज एप्पल एंड लेट मी एक्सिक्यूट दिस। सो एज यू कैन सी सर्वर ने हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिटर्न की है। गेट रिक्वेस्ट में क्वेरी स्ट्रिंग कंपलसरी नहीं है। अगर आप कोई क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास नहीं करते हो तो सर्वर के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर हमें रेस्पॉन्स में रिटर्न करता है। क्वेरी स्ट्रिंग की मदद से हम सर्वर को कमांड करते हैं कि हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। अगर आप रिक्वेस्ट URL देखो विच इज़ ओवर हियर, तो आप हमारा क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर देख सकते हो। लेट मी इंक्रीज द जूम साइज ऑफ क्रोम। हमारा क्वेरी स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क से शुरू होता है एंड इट हैज़ टू पैरामीटर्स, वन इज कलर एंड द अदर इज मैन्युफैक्चरर। क्योंकि अभी हमें क्वेरी स्ट्रिंग के बारे में एक आइडिया आ चुका है, इट्स टाइम वी स्विच टू Xcode एंड बिगिन कोडिंग। मैंने इस डेमो के लिए ऑलरेडी कुछ कोड कर रखा है एंड दिस कोड इज वेरी सिमिलर टू द कोड वी हैव सीन इन द API सीरीज फॉर अ गेट रिक्वेस्ट एंड इन द MAVM सीरीज। सो लेट मी एड अ ब्रेक पॉइंट ओवर हियर एंड लेट मी रन द एप्लीकेशन एंड लेट मी जस्ट टैप ऑन दिस बटन ओवर हियर। सो एज यू कैन सी आई एम गेटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सर्वर, बट इन दिस केस मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स चाहिए। जो भी वैल्यूज मैं इन दो टेक्स्ट फील्ड में एंटर करूँ बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज मुझे सर्वर से रिकॉर्ड आने चाहिए।
So let's go ahead and quickly add query string in our code. So let me go ahead and stop the application. So let me create some space first. And we know that jo query string hai, wo question mark se shuru hota hai. So in our URL, what we are going to do is we are going to add a question mark. And I would say color is equals to request.color and manufacturer is equals to request dot, let me close this, manufacturer. So now let me go ahead and run this. And let me add color is equals to red and manufacturer is Google. So as you can see, I have added query string or abhi jo data aaya hai server se, it is based on the values we entered in our text field. Mostly user koi bhi value add kar sakta hai text field mein. So let's say, what if I do something like this? Let me stop the application and let me rerun it again. So I would say color is silver aur jo manufacturer hai, I would add. So ab dekh sakte ho ki jo maine manufacturer ka data enter kiya to maine white space add kar diya. So let me tap on this button and see what we get. So right now we have got a crash. The reason why this has happened is query string mein aap white spaces add nahi kar sakte. And this is because query string ka ek specific format hai. Aur us format ko agar aapne break kiya to aapko is tarike ke crashes milenge. Ab is crash ko resolve karne ke do tarike hain. Pehla, aap extra code karoge to remove white spaces from the string. Aur dusra, आप इन दोनों स्ट्रिंग को परसेंटेज एनकोड करोगे. इन सिंपल वर्ड्स, जहां कहीं भी व्हाइट स्पेस है वहां एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना होगा. एंड दिस आल्सो मींस एडिंग एक्स्ट्रा कोड. तो चलिए इसे फिक्स करते हैं बाय एडिंग परसेंटेज एनकोडिंग. सो लेट मी स्टॉप द एप्लीकेशन. सो लेट मी क्रिएट अ फंक्शन फॉर दैट. फंक्शन क्रिएट परसेंटेज एनकोडेड स्ट्रिंग फ्रॉम string and I'm going to return an optional string over here. Let me create some space. I would say return value adding percentage encoding. क्योंकि हम query string के लिए data encode कर रहे हैं, हमें सिर्फ उन्हीं character set को allow करना चाहिए which is accepted by a URL query string. So I'm going to use URL query allowed for this. And right now let us use this function. So I would say let encoded color is equals to request.color and the same thing we'll do for manufacturer. Manufacturer is equals to request.manufacturer and let us use this two variable in our code. I'll get rid of request.color and I'll replace this with encoded color and I'll replace request.manufacturer with encoded manufacturer. So let me go ahead and run the application. Let me type color is silver and manufacturer is a apple with white spaces. As you can see, हमें कोई crash नहीं मिला, but server से इस बार कोई data नहीं आया क्योंकि server के पास इस combination का कोई record ही नहीं है. यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि मैंने पूरा यूआरएल एनकोड नहीं किया है. एज यू कैन सी, लेट मी स्क्रॉल अप. जिस डेटा की वजह से हमें क्रैश मिल रहा था, हमने सिर्फ उसी को एनकोड किया है. कुछ क्रिएटिव डेवलपर्स पूरा यूआरएल एनकोड कर देते हैं, बट एज यू कैन सी उसकी कोई जरूरत नहीं है. जो अप्रोच आपके सामने है, इसमें हमें बहुत मेहनत लगी है टू वर्क विद क्वेरी स्ट्रिंग. एक और आसान तरीका है क्वेरी स्ट्रिंग को यूज करने का, जिसमें आपको इतना सारा कोड नहीं करना पड़ेगा. हम यूआरएल कंपोनेंट्स एंड यूआरएल क्वेरी आइटम यूज करेंगे. इसका एडवांटेज यह है कि मुझे कोई कस्टम कोड नहीं लिखना होगा. इन माई ओपिनियन, अगर एप्पल का नेटिव फ्रेमवर्क आपके लिए कोई सिनारियो हैंडल कर रहा है, तो इट मेक्स मोर सेंस टू यूज द इनबिल्ट फंक्शनैलिटी देन राइटिंग कस्टम कोड. सो लेट्स गो हेड एंड यूज यूआरएल कंपोनेंट्स एंड यूआरएल क्वेरी आइटम फॉर अवर क्वेरी स्ट्रिंग. नाउ बिफोर वी बिगिन कोडिंग, लेट मी क्रिएट सम स्पेस एंड आई विल गेट रिड ऑफ दिस. आई विल ऑल्सो गेट रिड ऑफ दिस एंड राइट नाउ आई विल क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड कंपोनेंट्स which is going to be of the type URL components. This is going to take a URL that is going to be the smartphone endpoint. हम लोग resolving against base URL को फिलहाल false रखते हैं. Components के पास एक property है which is query item which accepts an array. So we are going to create an array over here of URL query item. The name is going to be color
and the value is going to be request dot color. We are going to add one more URL query item, which is going to be manufacturer. So I would say URL query item name is going to be manufacturer, and the value is will come from request dot manufacturer. And right now, jo yahan pe request URL hai, you have to replace this with components dot URL. So let me wrap this. So let me just go ahead and run the application. So let me type in color, I'll type white, and the manufacturer is going to be Google. So as you can see, we have got the data. Let me try something else. अभी मैं क्या करूँगा कि मैं white spaces और special characters add करूँगा to see what do we get. So going to add some white spaces over here, and I'm going to add some special characters. Same thing over here. Now let me tap on get records to see what we get. क्योंकि सर्वर के पास इस कॉम्बिनेशन में कोई वैल्यू नहीं है, सर्वर ने हमें एक एम्प्टी एरर रिटर्न किया है. यूजिंग यूआरएल कंपोनेंट्स विद यूआरएल क्वेरी आइटम में मुझे कोई कस्टम कोड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो भी एनकोडिंग करना है वो एप्पल का कोड हमारे लिए कर देता है. और इसी वजह से मेरी ये ओपिनियन है कि आप इन्हें यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हो और कस्टम कोड करने से बच सकते हो. लेट अस सी ये कंपोनेंट का यूआरएल दिखता कैसे है. सो लेट मी स्टॉप द एप्लीकेशन एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज डीबग प्रिंट फॉर दिस. सो आई वुड से डीबग प्रिंट कंपोनेंट्स यूआरएल एंड आई एम गोइंग टू ऐड अ ब्रेकपॉइंट ओवर हियर. नाउ लेट मी रन द एप्लीकेशन. I'm going to say the color is going to be black and the manufacturer is going to be Apple. And as you can see that the URL that we have got over here is something pretty similar to what we have seen earlier. So let me stop the application right now. अब एक सवाल तो मन में आ ही रहा होगा, and I exactly know what that is. और इससे पहले आप मुझे comment या email करके वो question पूछें, let me clarify that. So for that, let me run the application first. आई थिंक द क्वेश्चन इज कि अरे रवि, यूजर ने सिर्फ अगर कलर की वैल्यू एंटर की और अगर मैन्युफैक्चरर की वैल्यू एंटर नहीं की, तो उस केस में इफ यू लुक एट माई कोड, मैंने कलर और मैन्युफैक्चरर ये दोनों को हार्ड कोड किया हुआ है, तो इसे डायनेमिक कैसे बना सकते हैं. अगर मैंने ये क्वेश्चन सही गेस किया है तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, और अगर आप नए व्यूअर हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को. सो लेट मी जस्ट एड वैल्यू टू कलर. कलर इज रेड. मैं मैन्युफैक्चरर फील्ड में कोई वैल्यू एड नहीं करूंगा. I'll tap on get records. I agree, मैंने color और manufacturer ये दोनों को hard code किया है. And I also agree that user ने manufacturing की text field में अगर कोई value enter नहीं की, तो उस field को इस query string का हिस्सा होना भी नहीं चाहिए. But as you can see, the value manufacturer is present in our query string. अब इस code को आप दो तरीके से dynamic बना सकते हो. पहला, adding if else condition, and to be honest, that is not the right approach. I'm not saying it will not work, but आपको हर एक request के लिए custom if else हर बार लिखना पड़ेगा, and that is just too much effort and too much code. Second way is, मुझे इस structure को, that is the request structure over here, मुझे इस structure को dictionary में convert करना होगा. Dictionary इसलिए क्योंकि if you look closely, तो हमारा जो query string है, color and manufacturer, dictionary के keys की तरह है, जिनकी value user आपको text field से देगा. The most easiest way to do this is with the help of encodable protocol. So let me just stop the application and implement encodable protocol over here. So right now this structure is going to inherit from the encodable protocol, and let me switch back. Yahan pe we are going to create an extension of the encodable protocol, which is going to have a function named convert to URL query items, which is going to return us an array of URL query item. And this array is going to be optional. So let me create some space. इस function में जो हमारा request structure है, उसे पहले dictionary में convert करेंगे, and then उस dictionary में अगर किसी एक key का value nil है, तो हम उस key value pair को ignore कर देंगे, और उसे URL query item का हिस्सा बनने नहीं देंगे. Let me start coding for this, and as I code, eventually it will start making more sense. So let me create an encoder, which is equals to JSON encoder dot encode. And that is going to be self. अब क्योंकि ये जो particular piece of code है ये throw करता है, it makes more sense to use do try catch. Let me cut this and let me paste it over here.
And over here, I'm going to write error is going to be debug print error. Perfect. Now, I would say this is the request dictionary. Converting a structure, converting an encodable structure to a dictionary is actually very easy. So you have to use the JSON serialization for this. JSON serialization, JSON object, encoder, allow fragments, and let me enclose this. And I'm going to use flatmap over here. Flatmap is something jo maine abhi tak channel mein explain nahi kiya hai. But in short, flatmap can do everything that a map can. But flatmap ki khasiyat ye hai ki wo nil values ko gracefully handle karta hai as compared to map. To agar aapke collection mein nil value hai, to you can make use of flatmap for better code management. And right now over here, I'm going to use shorthand closures. This is going to be string of any. If the request dictionary is not equal to nil, then in that case, what I'm going to do, I'm going to create another variable. I'm going to name it query items, which will be of the type URL query item. I would make use of request dictionary for each key value. Let me scroll up a little. And over here, I'm going to write the code ki agar jo value hai, if this is not equal to nil, then in that case, I would use str value is equals to ye jo value hai, main ise string mein convert karunga. A string, and if str value is not equal to nil and str value dot count if it is not equal to zero, then in that case I would add those values inside the query item, append, and that is going to be URL query item. Name is going to be the key and the value is going to be str value. Over here maine str value ko isliye string mein convert kiya kyunki jo URL query item hai, it accepts name and value both in string format. And right now let me return this. I will remove the white space. Return nil. Perfect. Now let's quickly go ahead and use this extension. Let me scroll down and let me get rid of this code. Jo hamara request hai, use convert karna aapko URL query items mein. Now let me run the application. Now I'll add the color as black. और जो manufacturer field है उसे हम लोग empty रखते हैं क्योंकि हमने सिर्फ color की text field में value add की थी. You can see हमारा जो query string है उसमें सिर्फ color parameter add हुआ है. Now let me continue the program execution. और हमें जो server ने record दिया है it is based upon our query string. So let me stop the application. Now I don't have to worry about writing custom code or multiple if statement, because this extension over here is going to handle all the use cases for me. Let's do a quick revision of what we have learned today. Aaj ke session mein, we have learned what are query strings and why are they used. We learned why do we need to percentage encode a URL query string. And this was because URL query string ka ek specific format hota hai. Aur agar aapne usko break kiya, toh your application will crash. Bahut se developer aaj bhi character set use karte hain to deal with query string, but rather than writing your own custom code, Apple के URL components and URL query item do a very good job in encoding the string for you. हमने एक extension create किया है and the reason why we created this extension is because हमें हमारे code को smart बनाना था और hard coding avoid करना था. This was all about query string and API. इस session में अगर आपको कोई doubt है तो please अपने doubt comment में mention करें या फिर आप मुझे email कर सकते हो. My email ID is codecat15@gmail.com. I hope you enjoyed this session. If you like this video, then please give a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe. That being said, thank you so much for watching this. Have a nice day and happy iCoding. Bye-bye.